Good morning dear students I am Prem Konpatle today I am here along with the second part of the industrial revolution my dear students today I am going to explain about the coal and iron industries of britain and we will see the cotton spinning and weaving technology we will see about the invention which helped in textile industry in britain dear students in previous session i have explained about the first industrial revolution which occurred between 1780s and 1850s and after that i explained about the second industrial revolution as well as i have explained about the factors that lead to industrial revolution in britain political stability was uh, uh, one of the factor which was responsible फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन एज वेल एज़ वी हैव सीन अबाउट द एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन विच वॉज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आफ्टर दैट वी हैव सीन अबाउट द इमरजेंस ऑफ लंदन हमने देखा था कि लंदन किस तरह से एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में उभर करके सामने आया था एज वैल एज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड and the very important factor that was related to the development of financial system in england was also an important factor for industrial revolution in england. now, dear students, today i am going to explain about the coal and iron industry. firstly, we will see about the iron industry. england was having a plenty of iron. dear students, इंग्लैंड वॉज हैविंग अ प्लैंटी ऑफ आयरन एंड कोल्ड रिसोर्सेज एंड विच वर रिक्वायर्ड फॉर मैकनाइजेशन ओके एंड was also रिच इन अदर minerals सच एज लीड कॉपर एंड tin, which वर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रीज प्यारे बच्चों इंग्लैंड इस भा इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली था कि वहाँ मशीनीकरण के काम आने वाली जो मुख्य सामग्रियाँ थी कोयला और लाहौस्क वो बहुतायत में उपलब्ध थी इसके अलावा वहाँ उद्योग में काम आने वाले जो अन्य खनिज थे जैसा हमने बात किया लीड कॉपर टीन ये भी वहाँ खूब मिलते थे बच्चों किंतु 18वीं शताब्दी तक 18वीं शताब्दी तक वहाँ इस्तेमाल योग्य लोहे की कमी थी एंड स्मेल्टिंग वॉज दी प्रोसेस थ्रू विच आयरन इज़ ड्रॉन फ्रॉम ओव्स एज अ प्योर लिक्विड मेटल इज नोन एज अ स्मेल्टिंग बच्चों लोहा प्रगलन जिसको स्मेल्टिंग कहते हैं इसकी प्रक्रिया के द्वारा लौह खनिज में से शुद्ध तरल धातु के रूप में लोहे को निकाला जाता था ओके okay? और यह सदियों तक इस प्रगलन प्रक्रिया के लिए काठ कोयले का प्रयोग किया जाता था चारकोल वास टू ब्रिटल बट हमने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ आने लगी ये जो काठ कोयला था उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी थी अब वो प्रॉब्लम क्या थी <coughs> कि चारकोल वॉज टू ब्रिटल टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस रॉन्ग लॉन्ग एंड डिस्टेंसेस इट्स इम्प्योरिटी प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी आयरन नंबर थर्ड इट वॉज अ शॉर्ट सप्लाई एज फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉय फॉर टिम्बर एंड वॉज आल्सो फेल टू जनरेट हाई टेम्परेचर बच्चों काठ कोयले का इस्तेमाल करने से कुछ समस्याओं का सामना आने लगा होने लगा था जिसमें मैंने आपको चार तरह की समस्याओं को समझाने की कोशिश किया चार कोलवास टू ब्रिटिज टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस लॉन्ग एंड डिस्टेंसेस जो काठ कोयला था वो लंबी दूरी तक ले जाने की प्रक्रिया के दौरान टूट जाया करता था एंड इट्स इम्प्योरिटी प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी आयरन और इसकी अशुद्धता के कारण घटिया किस्म के लोहे का उत्पादन होता था एंड इट वॉज इन शॉर्ट सप्लाई एज अ फॉरेस्ट वर्क डिस्ट्रॉय फॉर टिम्बर और नंबर थर्ड अगर कहें क्योंकि इसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि लग और इसके लिए लकड़ी के लिए जंगल काट लिए जाते थे तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन भी वहाँ पर हो रहा था एंड आल्सो फेल टू जनरेट हाई टेम्परेचर और साथ ही साथ ये उच्च उच तापमान पैदा कर नहीं सकता था तो ये सारी समस्याएँ आयरन इंडस्ट्रीज़ के उस दौरान को देखने को मिल रही थी बच्चों अब बात आती है कि ऐसे कौन से सॉल्यूशन रहे होंगे जो उस समय आए होंगे तो उसको हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं वो इनोवेशन की इनोवेशन इन आयरन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ से उसकी शुरुआत होती है द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम हैड बिन शॉर्ट फॉर ईयर्स बिफोर इट वॉज शॉल्ड बाय अ फैमिली ऑफ आयरन मास्टर द डरबीज ऑफ श्रोप ओके इस समस्या का कई वर्षों से हल ढूंढा जा रहा था और फाइनली श्रोप शायर के एक डरवी परिवार ने जो लौ स्वयं लौ उस्ताद थे आयरन मास्टर से इस समस्या का हल निकाल लिया इन कोर्स ऑफ हाफ अ सेंचुरी थ्री जनरेशंस ऑफ दिस फैमिली ग्रैंड फादर फादर एंड सन और कॉल्ड अब्राहम डरबी बॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन मेटोलॉजिकल इंडस्ट्री बच्चों आधी शताब्दी के दौरान इस परिवार की तीन पीढ़ियों ने जिसमें उसके दादा पिता और पुत्र जो सभी लोग अब्राहम डरबी के नाम से पुकारे जाते थे इन्होंने मेटोलॉजिकल इंडस्ट्री में धातु कर्म उद्योग में क्रांति ला दी थी इट बिगेन विद एन इन्वेंशन इन 1709 हंड्रेड नाइन बाय द फर्स्ट अब्राहम डरबी बच्चों इसकी शुरुआत इस क्रांति की जो शुरुआत है 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी द्वारा किए गए आविष्कार के साथ होती है एंड दिस वाज अ ब्लास्ट फर्नेस दैट वुड यूज कोक बच्चों ये जो इन्वेंशन था वो था धमन भट्टी ब्लास्ट फर्नेस, जिसमें किसका इस्तेमाल होता था कोक का इस्तेमाल किया गया था है ना विच कूड जनरेट हाई टेम्परेचर अब इससे क्या होने लगा कि जो ये कोक है वो उच्च उत्पादन करने की शक्ति थी उसमें कोक वॉज डिराइव फ्रॉम कोल बाय रिमूविंग ऑफ सल्फर एंड इम्प्योरिटीज़ बच्चों कोक से उच्च तापन में उत्पन्न करने की शक्ति तो थी और वह जो है कोयले से गंधक सल्फर और जो इम्प्योरिटीज़ थी अपद्रव्य उसको निकाल कर तैयार किया जाता था अब इस इन्वेंशन का जो फल हुआ ये इस आविष्कार का फल यह हुआ कि तब से भट्टियों को काट खोएले पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ता था अब वो कोक का इस्तेमाल करने लगे थे हमने देखा ना काठ कोयला देखिए एक तो टेम्परेचर लो जनरेट करता था फॉरेस्ट काट दिए गए उसकी पर्याप्त मात्रा में उसकी उपलब्धता नहीं थी शॉर्ट सप्लाई हो रहा था उसका ना तो अब क्या हुआ कि जब ब्लास्ट फर्नेस को इन्वेंट कर लिया गया तो अब काठ कोयले पर डिपेंड जो थे वो अब डिपेंड नहीं रहता रह, उस पर कोई निर्भरता नहीं रह गई थी द मेटल्ड आयरन दैट इमर्ज फ्रॉम दिस फर्नेंस परमिटेड फाइनर एंड लार्जर कास्टिंग दैन बिफोर अब क्या हुआ कि इन भट्टियों से जो पिघला हुआ लोहा निकलता था उससे पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी तो इस तरह से जो फर्स्ट अब्राहम डर्बी थे उन्होंने ब्लास्ट फर्नेंस को इन्वेंट किया था बेटा सेवेंटीन हंड्रेड नाइन में अब फर्दर इन्वेंशंस की बात करें द प्रोसेस वॉज फर्दर रिफाइंड बाय मोर इन्वेंशंस द सेकेंड डर्बी फर्स्ट डर्बी ने तो ब्लास्ट uh, फॉर्नेंस को इन्वेंट किया द सेकेंड डर्बी डेवलप्ड रॉट आयरन फ्रॉम पिग आयरन बच्चों जो द्वितीय डर्बी थे उन्होंने पिग आयरन से यानी ढलवा लोहे से रॉट आयरन यानी पिटवा लोहे का विकास किया ठीक ये सेकेंड डर्बी की इन्वेंशन थी और बेटा ये जो था कम भंगुर था ये ज़्यादा टूटता विच वॉज लेस ब्रिटर ये कम टूटता था ये ज़्यादा कम भंगुर था है ना अब बात कर लें पडलिंग फ़र्नेस की हैं कोर्ट हैंनरी कोर्ट डिज़ाइन द पडलिंग फ़र्नेस एंड द रोलिंग मिल बच्चों जो पडलिंग फ़र्नेस होता है इन विच मोल्टन आयरन कूड बी रीड ऑफ इम्प्योरिटीज ये जो पडलिंग फर्नेस था उसमें लोहे की अशुद्धि को दूर किया जा सकता था पडलिंग फर्मेंस के थ्रू किसने इन्वेंट किया हैंनरी कोर्ट, कोर्ट ने हैनरी कोर्ट ने पडलिंग फर्मैंस और रोलिंग यानी बेलिंग मिल बेलन मिल इन दोनों को इन्वेंट किया एंड रोलिंग मिल विच यूज स्टीम पावर टू रोल प्योरीफाइड आयरन इन टू बास बच्चों जो बेलन मिल थी रोलिंग मिल उसका आविष्कार भी हुआ इसमें क्या होता था कि जो आ, प्योरीफाइड आयरन जो था परिशोधित लोहे से छड़ें तैयार की की जाती थी छड़ें तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था तो इस तरह से रोलिंग मिल और पडलिंग फर्नेस को इन्वेंट करने वाले शख्स थे हैंनरी कोल इट नाउ बिकेम पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ आयरन प्रोडक्ट्स अब जब इस तरह के इन्वेंशन होने लगे बच्चों तो ये लोहे से अनेकानेक उत्पाद बनाना अब संभव हो गया द ड्यूरेबिलिटी ऑफ आयरन मेड इट अ बैटर मटेरियल देन उट फॉर एवरीडे आइटम्स एंड फॉर मशीनरी अब लोहे से जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार हो रहे थे तो लोहे में टिकाऊपन अब अधिक आ गया था लोहे के सामान जो बनाए जा रहे थे उसमें अब टिकाऊपन था इसलिए इसे मशीनें और रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी एवरीडे आइटम्स जो था रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी उसको तैयार किया जाने लगा और ये जो चीज़ें बनाने के लिए जो जो चीज़ें बनाई जाती थी वो लकड़ी से बेहतर सामग्री उसको माना जाने लगा लकड़ी तो जल सकती थी कट फट सकती थी लेकिन लोहे की लोहे में खास बात क्या थी कि लोहे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयरन कुड बी कंट्रोल्ड लोहे के जो भौतिक और रासायनिक गुण थे उनको कंट्रोल किया जा सकता था ये खास बातें थी उसकी इन दैवेंटीन सेवेंटीज़ जॉन विल्किनसन मेड द फर्स्ट आयरन चेयर्स वैट्स फॉर ब्रेवरीज एंड डिस्टलरीज एंड आयरन पाइप्स ऑफ ऑल साइज बच्चों 1770 के डिकेड में जॉन विल्किसन ने सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियाँ बनाई, आशा और शराब की भट्टियों के लिए टंकियाँ वैट्स बनाया लोहे की सभी आकारों की पाइप बनवाई ठीक तो ये जॉन विल्किनसन थे जिन्होंने लोहे की कुर्सियाँ टंकियाँ और पाइप बनवाया अब हम बात करते हैं फिर से डरबी थर्ड डर्बी की द सेवन इन सेवनटीन सेवनटी नाइन द थर्ड डर्बी बिल्ड द फर्स्ट आयरन ब्रिज इन द वर्ल्ड बच्चों सेवनटीन सेवेंटी नाइन में थर्ड डर्बी ने विश्व में पहला लोहे का पुल बनाया जिसका नाम था कोल ब्रुक डेल और वो वो जो पुल बनाया गया था वो सेवर नदी पर बनाया गया था ठीक इन ब्रुक डेल स्पैनिंग इन रिवर सेवर, जो सेवर नदी पर इसको तैयार किया गया विल्कनसन की बात करें विल्कंसन यूज कास्ट आयरन फॉर द फर्स्ट टाइम टू तो मेक वाटर पाइप फोर्टी माइल्स ऑफ इट फॉर द वाटर सप्लाई ऑफ पैरिस बच्चों विल्किसन ने पानी की पाइपें बनाई जिसमें पेरिस को पानी की आपूर्ति के लिए चालीस मील लंबी जो पाइपलाइन थी वो विल्कन्सन के द्वारा तैयार की गई थी और तो पहली बार वे से तैयार किया गया था पीग आयरन से उस पानी की पाइपलाइन जो है उसको बनाया गया था तो ये इन्वेंशंस आपको समझ में आए होंगे ब्लास्ट फर्नेस के बारे में फिर से मैं बतला दूँ कि ब्लास्ट फर्नेस इट्स बिगेन विद एन इन्वेंशन of blast furnace in 1709 by the first abraham Derby. in the blast furnace coke was used which could generate high temperature okay coke was derived from coal by removing the sulfur and impurities this invention meant that furnace no longer had to depend on charcoal okay that was the main use of uh, uh, that was the main benefit of that invention and the melted iron that emerged from this furnace परमिनेट फाइनर एंड लार्जर कास्टिंग दैन बिफोर पहले से अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई करने वाला लोहा आप तैयार हो रहा था हमने फर्दर इन्वेंशंस को आपके सामने एक्सप्लेन किया अबाउट द सेकेंड और बी डेवलप्ड द रॉट आयरन फ्रॉम पीका आयरन वाइल यू आर टॉकिंग अबाउट द हैनरी कोर्ट यू डेवलप्ड द पडलिंग फर्नेंस एंड द रोलिंग मिल विच यूज स्टीम पावर टू रोल प्योरिफाइड आयरन इन टू बार्स Now, a broader range of products could be produced after the invention of puddling furnace and rolling mill. And while we are talking about the John Wilkinson, in 1770s, he made the first iron chairs, vats, and iron pipes of varied size, varied size. pipe Okay. And while we are talking about the third herby.

बच्चों अब हम बात कर लें द आयरन इंडस्ट्री देन कैम टू बी कॉन्सनट्रेटेड इन द कोल रीजन अब हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन में ये सब इन्वेंशंस या ये सब जो इन्वेंशन है उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट इंग्लैंड को कैसे मिला उसको समझते हैं डियर स्टूडेंट्स नाउ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड इन द कोल रीजन ओके, इन ब्रिटेन कोल एंड आयरन वर फाउंड इन द सेम बेसिन एंड दिस वर आल्सो कनेक्टेड विद पोर्ट्स ओके बच्चों ये जो आयरन स्टील की स्मैल्टिंग और कोल माइनिंग की हम बात करें तो ब्रिटेन वाज लकी इन प्रोसेसिंग एक्सीलेंट कोकिंग कोल एंड हाई ग्रेड आयरन और इन दिस सेम बेसिन और इवन द सेम सिम्स ऐसा क्यों हो रहा था बच्चों ब्रिटेन एक सौभाग्यशाली देश था वो इसलिए क्योंकि वहाँ एक ही द्रोणी में एक ही बेसिन में यहाँ तक कि एक ही पट्टी में उत्तम कोटी का जो कोकिंग कोल होता था और उच्च स्तर का लौह आय खनिज वो साथ साथ पाया जाता था और इसके अलावा जो यहाँ की द्रोणी क्षेत्र थे वो किसके पास थे कोस्टल एरियाज के पास थे अब वहाँ से पांच तटीय कोयला क्षेत्र थे ऐसे पाँच तटीय कोयला क्षेत्र थे जो अपने उत्पादों को सीधे ही जहाज़ों पर लदवा सकते थे अब अगर बात की जाए तो ये कहीं कही ना कहीं उस ब्रिटेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल था उसके लिए काफ़ी फायदेमंद था कि यहाँ आयरन और, और कोल ये दोनों एक ही बेसिन पर अवेलेबल थे अब यहाँ से जो कोस्टल एरियाज़ हुआ करते थे बच्चों है ना ये देअर आर फाइव कोस्टल कोलफील्ड्स विच कूड डिलीवर देअर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट इंटूशिप्स वो सीधे उन प्रोडक्ट्स को जहाज़ों पर लदवा के भेज सकते थे देखिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी उसके पास वहीं मौजूद थी क्योंकि बेसिन में सब निकल रहा था इसके पास आयरन और भी वहीं से निकल रहा था कोल की अवेलेबिलिटी भी वहाँ पर थी प्लान्टिफुल मोड में थी चूँकि कोयला क्षेत्र समुद्र तट के पास ही थे इसलिए जहाज निर्माण का कारोबार और नवपरिवहन का व्यापार भी खूब बढ़ा

क्वारपल इट्स आउटपुट बिटवीन 1800 and 1830, okay हंड्रेड jo ओके यहाँ जो ब्रिटेन ने britain उद्योग में ब्रिटेन के में, 1800 उद्योग ने एटीन से 1830 के दौरान अपने उत्पादन को चार गुना बढ़ा लिया और उसका उत्पादन पूरे यूरोप में सबसे सस्ता था ठीक है उसका जो उत्पादन था पूरे यूरोप में कैसा था वो सबसे सस्ता था इट्स प्रोडक्ट द चीपेस्ट इन यूरोप इन 1820s, a ton अ टर्न ऑफ needed आयरन नीडेड of coal ऑफ make टू मेक इट बच्चों 1820 में एक टन ढलवा लोहा बनाने के लिए आठ टन कोयले की जरूरत होती थी किंतु 1850 सौ ईस्वी के आते आते यह मात्रा घट गई और केवल दो टन कोयले से ही एक टन ढलवा लोहा बनाया जाने लगा था ओके और 1848 तक तो ये स्थिति आ गई कि ब्रिटेन द्वारा जो पिघलाए जाने वाले लोहे की मात्रा थी वो सारी दुनिया बाकी सारी दुनिया द्वारा कुल मिलाकर पिघलाए जाने वाले लोहे से भी अब अधिक हो चुकी थी तो आप इसका इंपॉर्टेंस कह लीजिए या इसकी डेवलपमेंट देख लीजिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फील्ड में इन एटीन हंड्रेड ट्वेंटीज अ टर्न ऑफ पिग आर नीडेड एट टन ऑफ कोल टू मेक इट बट बाय एटीन फिफ्टी इट कुड बी बाय यूजिंग ओनली टू टन्स एक टन लोहे को तैयार करने के लिए अब केवल दो टन ही कोल की आवश्यकता थी एंड बाय एटीन ब्रिटेन वाज स्मेल्टिंग मोर आयरन देन अदर कंट्रीज इन वर्ल्ड। सो आई थिंक अंडरस्टूड अबाउट विद दिस एक्सप्लेनेशन नाउ डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू सी अबाउट दी कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग अभी हमने आयरन इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखा उसके डेवलपमेंट को देखा अब हम कॉटन इंडस्ट्री पर अब फोकस करते हैं ठीक है द ब्रिटिश हैड ऑलवेज वोवन क्लॉथ आउट ऑफ उल एंड फ्लैक्स फ्रॉम द सेवनटीन सेंचुरी द कंट्री हैड इम्पोर्टिंग बेल्स ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया एट ग्रेट कॉस्ट बच्चों ब्रिटिश हमेशा ऊन और सन से कपड़ा बुना करते थे जबकि सत्रहवीं शताब्दी से इंग्लैंड भारत से बड़ी लागत पर सूती कपड़े की गाठों का आयात करता था लेकिन धीरे धीरे एज द ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिस्ड इट बिगेन टू इम्पोर्ट बच्चों जैसे ही भारत के हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया तब से इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ तब से कपड़े के साथ साथ कच्चा कपास जो था रॉ कॉटन उसको भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया अब जिसकी इंग्लैंड के में आने पर कताई की जाती थी उसको यहाँ पर आने पर उसकी स्पिनिंग प्रोसेस कंडक्ट की जाती थी फिर विविंग कम प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता था और हम बात करें इस स्पिनिंग और विविंग प्रोसेस की तो एटीन सेंचुरी स्पिनिंग हैड बिन सो स्लो एंड लेबोरियस दैट टेन स्पिनर्स वर रिक्वायर टू सप्लाई सफिसियंट यान टू कीप अंगल वीवर बिजी बच्चों 18वीं सदी के प्रारंभ वर्षों में कताई का काम इतनी धीमी गति और मेहनत से किया जाता था कि एक वीवर यानी एक बुनकर को व्यस्त रखने के लिए उसके लिए आवश्यक धागे काटने के लिए 10 स्पिनर्स की जरूरत होती थी और उसमें अधिकतर स्त्रियों की जरूरत पड़ती थी ठीक इसलिए क्या होता था कि काटने वाले जो लोग थे स्पिनर से दिन भर कताई के काम में लगे रहते थे स्पिनिंग काम में लगे रहते थे और बुनकर बुनाई के लिए धागे का इंतजार करता रहता था और उसका समय वहाँ पर बर्बाद होता रहता था लेकिन बट अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन सक्सेसफुली क्लोज द गेप बिटवीन द स्पीड इन स्पिनिंग रॉक कॉटन इन टू यार नॉर्थ हेड एंड अ विविंग द यान इन टू फैब्रिक लेकिन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो आविष्कार हो जाने के बाद कच्ची रुई को काट कर उसका धागा बनाने उसके कपड़ा बनाने की जो रफ्तार थी उन दोनों के बीच में अब काफ़ी अंतर आ गया और वो खत्म करने में सफलता भी मिल चुकी थी और इस कार्य को और अधिक कुशलतापूर्वक करने के लिए उत्पादन का काम धीरे 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 कताईगरों बुनकरों के घरों से हटकर के अब कहाँ शिफ्ट हो गया ये फैक्ट्री और कारखानों में चला गया था टू मेक इट इवन मोर एफिसियंट प्रोडक्शन ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम द होम्स ऑफ स्पिनर्स एंड वीवर्स टू फैक्ट्रीज फ्रॉम the सेवनटीन एटीज द कॉटन इंडस्ट्री सिंबोलाइज ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मैनी बच्चों 1780 के दशक में कपास उद्योग में कई रूपों से ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रतीक बन गया था और इस उद्योग की दो प्रमुख विशेषताएं थीं हम अगर कॉटन इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी दो स्पेशल फीचर्स थे जो इस जो अन्य उद्योग में भी दिखाई देते थे अब क्या था कच्चे माल के रूप में आवश्यक कपास जो होता था उसका पूर्ण रूप से आयत कर लिया इम्पोर्ट करना पड़ता था और अब उससे जब कपड़ा तैयार हो जाता था तो उसका अधिकांश भाग एक्सपोर्ट कर दिया जाता था रॉ कॉटन हैड टू बी एंटायरली इम्पोर्टेड एंड लार्ज पार्ट ऑफ फिनिश्ड क्लॉथ वाज एक्सपोर्टेड दिस सस्टेंड द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन सो दैट ब्रिटेन कूड रिटेन कंट्रोल ओवर द सोर्सेज ऑफ रॉक कॉटन एज वेल एज दार्केट्स तो इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए इंग्लैंड के पास अपने उपनिवेश होना ज़रूरी था आपने देखा कि ब्रिटेन इंग्लैंड का जो है बहुत वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज़ पर कोलोनियलाइजेशन को उसने इस्टेब्लिश कर रखा था जिससे कि क्या होता था ये कोलोनियल्स जो कोलोनाइजेशन की वजह से जो कच्ची कपास है वो उन उपनिवेशों से मंगाई जाती थी जहाँ उनका वो रूल करते थे कॉलोनाइजेशन को जहाँ स्टेब्लिश कर रखा था वहाँ से वो रॉ कॉटन को मंगवाते थे और फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार हो जाता था फिनिश प्रोडक्ट वो कपड़ा बनाकर उन्हीं को वापस बेच दिया जाता था तो इस तरह से ये वर्क को परफॉर्म किया जाता था देर आर समशंस रिलेटेड टू इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल डेयर स्टूडेंट्स हियर यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द फ्लाइंग शटल लूम That was designed by John K. Bacho? Ek flying shuttle loom tha, jiska invention John K. Tha, which was invented in 1733. And after the invention, after the design by the sh flying shuttle loom, it made it possible to view broader fabrics in less time. एंड कॉन्सिक्वेंट कॉल्ड फॉर मोर यार दैन कुड बी सप्लाइड एट द प्रीवेलिंग पेस ऑफिस पे नहीं बच्चों सेवेंटीन हंड्रेड थर्टी थ्री में जो फ्लाइंग शटल लूम बनाया गया उसने क्या हेल्प किया उसकी सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा तैयार किया जाना शुरू हो गया और परिणामस्वरूप जो कताई की जो तत्कालीन रफ्तार थी उससे जितना धागा बनता था अब उससे कहीं ज़्यादा धागा की अब जरूरत Uh, जो है तैयार होने लगा था तो इस तरह से उसे कहीं ज्यादा मात्रा की धागे की जरूरत अब होने लगी थी तो इस तरह से फ्लाइंग शटल को डिजाइन करने वाले शख्स का नाम था जॉन के ये फर्स्ट था सेकेंड था बिटर द स्पिनिंग जैनी कताई की एक मशीन थी विच वॉज डिजाइन बाय द जेम्स हरग्रीज इन सेवनटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव ऑन विच अ सिंगल पर्सन कुड स्पिन सेवरल थ्रेड्स ऑफ़ यन साइमल्टेनियसली एंड दिस प्रोवाइडेड वीवर्स विद यार एट अ फास्ट रेट देन दे कु वीव इन टू फैब्रिक बच्चों जेम्स हार्ग्रिज ने एक uh, कताई मशीन बनाई स्पिनिंग जेनी बनाया जिस पर अब अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था इससे बुनकरों को उनकी आवश्यकता से अधिक तेजी से धागा अब मिलने लगा था थर्ड वन वाज रिलेटेड टू वाटर फ्रेम वाटर फ्रेम वॉज डिजाइन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन सेवनटीन सिक्सटी नाइन ओके वो प्रोड्यूस्ड अ मच स्ट्रांगर थ्रेड दैन बिफोर दिस ऑल्सो मेड इट पॉसिबल टू व्यू प्योर कॉटन फैब्रिक्स रेदर देन फैब्रिक्स दैट कंबाइंड लेन इन एंड कॉटन यार बच्चों रिचर्ड आर्कराइट द्वारा सेवनटीन सिक्सटी नाइन में एक वाटर फ्रेम नाम की मशीन बनाई गई जो पहले से कहीं अधिक मजबूत धागा बनाया जाने लगा था से लिनन और सूती धागा दोनों को मिलाकर कपड़ा बनाने की बजाय अब अकेले सूती धागे से ही सूती कपड़ा बनाया जाने लगा विशुद्ध सूती कपड़ा बनाया जाने लगा था फोर्थ वन रिलेटेड टू म्यूल द द म्यूल ऑफ अ मशीन इन्वेंटेड इन सेवनटीन बाय बायुल क्रॉम्पटन दैट अलाउड द स्पिनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड फाइन यार्न बच्चों जो म्यूल नाम की मशीन थी वो सैम्यूएल क्रॉम्पटन के द्वारा 1779 में तैयार किया गया और इसे कता हुआ धागा बहुत ही मजबूत और बढ़िया होता था द साइकिल ऑफ इन्वेंशंस इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट शॉट टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द टास्क ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग कॉन्क्लूडेड विद द इन्वेंशन ऑफ द पावर लुम्बाई एडमंड कार्टराइट इन सेवनटीन बच्चों अब कपड़ा उद्योग की उन मशीनों के आविष्कारों का दौर था जो कताई बुनाई के कार्यों के भी संतुलन बनाने के लिए बनाई जा रही थी एडवर्ड राइट द्वारा 1787 में पावर लूम यानी शक्ति चालित करघे के आविष्कार के साथ ये समाप्त हो गया पावर लूम को चलाना बहुत आसान था ओके दिस वॉज इजी टू वर्क एंड स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम अ थ्रेड ब्रोक एंड कुड बी यूज टू व्यू एनी काइंड ऑफ मटेरियल जब भी धागा टूटता था वह अपने आप काम करना बंद कर देता था पावरलूम और इससे भी किसी भी तरह के धागे की बुनाई की जा सकती थी एटीन के डिकेट से कपड़ा उद्योग में नई नई मशीनें बनाने की बजाय श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने पर अवधिक अधिक ध्यान दिया जाना शुरू हो चुका था तो बच्चों ये इस तरह से फ्लाइंग शटल स्पिनिंग जैनी वाटर फ्रेम म्यूल और जो हमने पावर लूम की बात करी ये इस तरह के इन्वेंशन थे जिन्होंने कॉटन इंडस्ट्री को बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ाया बच्चों आज के इस एक्सप्लेनेशन में इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच